दोस्तों इस समय ना हम विश्वकर्मा जनसेवा केंद्र शॉप में हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ ना जो शॉप है ना वो एक विश्वकर्मा जनसेवा केंद्र है और एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। दोस्तों कल से ही यानी कल दिन से ही हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रहा है, ना ही तो घर पर ना ही शॉप पर, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसको लाइट की वजह से ना थोड़ा सा जो काम है ना वो प्रॉब्लम हो सकता है हमको। तो यहाँ पर जो बैटरी है वैसे तो यहाँ का तो चार्ज है क्योंकि दोस्तों यहाँ उतना काम नहीं रहता है। तो देख सकते हैं जैसे लैपटॉप प्रिंटर वगैरह यही सब चलाना होता है, तो इन्वर्टर अभी हमारा चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है ना वहाँ का इन्वर्टर यानी जो बैटरी है ना वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है, तो वहाँ पर काम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। तो देखिए इस समय हम यहाँ पर अभी अभी दोस्तों शॉप पर आए हैं और आप शॉप का ना इस प्रकार से नज़ारा देख सकते हैं कि हम अपनी शॉप पर क्या क्या काम करते हैं। कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हेडफोन वगैरह, चार्जर और कुछ मोबाइल रिपेयरिंग होने के लिए आया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, देखिए हाल ही में दोस्तों यानी कल ही दोस्तों एक हमारे पास सैमसंग का मोबाइल आया रिपेयर होने के लिए। यहाँ देखिए इसमें ना चार्जिंग जैक का इशू है, तो इसमें हम चार्जिंग जैक को चेंज करेंगे। और इसमें ना जो भी दोस्तों जे सीरीज का मोबाइल होता है ना तो इसमें जैक बदलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि दोस्तों इसका जो होल्डर है ना वो बाहर करना पड़ता है, तब जाके दोस्तों हमारा जो जैक है वो लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा SMD मशीन है और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक लाइट लगाया हूँ, यहाँ पर देखिए अच्छा खासा प्रकाश है। और यहाँ पर एक हमारा माइक्रो शोल्डिंग है, यहाँ देखिए ऑन हो गया। और यहाँ से हमारा SMD है, तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर फोटो क्लिक करने के लिए यानी यहाँ पर एक पर्दा लगाया हूँ, तो देख सकते हैं हमारा जो शॉप है ना इस प्रकार से छोटा मोटा शॉप है। अब और आप बाहर का भी नज़ारा देख सकते हैं।